हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज ऐसे इंसान को मिलने का मौका मिला है जिसे हम सब जादूगर आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिन्हें देख रहे हैं वो है फेमस 3D आर्टिस्ट मिस्टर अकबर मोमिन। आज उनकी परमिशन से मुझे उन्हें लाइव देखने का एंड वीडियो शूट करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, अकबर सर ने 8 फीट लंबे स्टील पाइप पे ऐसा डिज़ाइन बनाया है कि जैसे जैसे हम सर के साथ 200 फीट की दूरी पर पहुँचे तभी 3D स्टैचू दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3D स्टैचू की पहले की तैयारी है। ये देखिए कितनी बारीकी से सर अपने कला का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत मुरारी बापू की तस्वीर बना रहे हैं जो हमने 3D स्टैचू में देखी। सर की ये क्रिएटिविटी देख के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। उनका काम करने का अंदाज बहुत ही यूनिक है। वाओ, ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना अच्छा तस्वीर है। वुडन प्लाई पे डिज़ाइन रेडी करने के बाद अब उसे अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिले। अकबर सर ने बताया कि ये वुडन प्लाई वो 8 फीट के स्टील पाइप पे लगाने वाले हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये 3D स्टैचू आर्ट देखने के लिए। सर के पास बहुत बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अभी सर प्लाई पे ब्लैक पेंट कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है एंड खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि ये सब मुझे लाइव देखने को मिला है। ये देखिए सर कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। इनकी यही खूबी मुझे इंस्पायर करती है। अकबर सर की सभी 3D आर्ट ने सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है। चलो फ्रेंड्स, ये मुरारी बापू का 3D स्टैचू भी इतना वायरल करे कि सर का अनोखा सपना पूरा हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अकबर सर ने मुझे बताया है कि ये 8 फीट का 3D स्टैचू तो खाली एक छोटा डेमो है। उन्हें इनसे भी बड़ा 60 फीट का 3D स्टैचू बनाना है, वो भी महात्मा गांधी जी का, जो दिल्ली के गांधी स्मारक में होगा, जिससे टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन स्पॉट बनेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वो टूरिज्म मिनिस्टर्स के वहाँ ये आर्टिस्ट की बात पहुँचे। वाओ, ये देखिए सर अभी भी कर रहे हैं, उनका टैलेंट दिखा रहे हैं। अभी हम जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं वैसे हमें ये तस्वीर दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वाह सर, क्या बात है। हम सब फ्रेंड्स की आपकी प्रेयर्स है कि आपका ड्रीम जल्दी पूरा हो। थैंक यू।